मैं हूं आचार्य एचएस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जुलाई का महीना ग्रहों का वाश्या आपकी किस्मत पलट देगा, ऐसा मैंने लिखा है। आपकी भारी डिमांड के ऊपर हर राशि की मैंने अलग अलग फलादेश करने की पूरी कोशिश की है। आपकी डिमांड रहती थी कि हर राशि का पूरा फलादेश दिया जाए, समय अभाव के कारण नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे लिए आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं बताऊंगा जुलाई के महीने के अंदर मिथुन राशि की किस्मत कैसे पलट जाएगी, वो कौन से दो उपग्रह हैं जो बनाएंगे वो राजयोग जो कभी नहीं मिला। लेकिन ज्योतिष में किंतु परंतु रहती है, ये तभी संभव हो पाता है जब आपकी जो बर्थ की कुंडली होती है, बर्थ चार्ट जो होता है वो पावरफुल होता है। अगर आपका जन्म का कुंडली बहुत पावरफुल है और आज गोचर में वही ग्रह आ जाएं, तो फिर बल्ले बल्ले होती है, यानी फिर बहुत पैसा आता है, ये चमत्कारिक योग होते हैं। तो वही जानकारी हम देते रहते हैं। अभी मान लो आपकी पैंट और शर्ट के अंदर पॉकेट ही ना हो और कोई पैसा देने लगे, कहाँ रखोगे उसको, मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास झोले हैं, थैले हैं, बैग है और फिर कोई पैसा बांटने लगे तो पैसा मिलेगा। इसका मतलब जब आपकी बर्थ चार्ट पावरफुल होता है, सडवल के अंदर बहुत पावरफुल होता है, और आज भी अगर वही ग्रह आ जाएं तो आपके पास अपार अचानक भाग्य उदय होता है। इसलिए कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानासि कुतो भवति, यानी ग्रह कब आदमी के भाग्य को पलट दें देवता भी ये नहीं जानते हैं, क्यों जो ग्रह है वो भगवान के अधीन है, यानी ये नियम है प्रकृति का और ग्रहों के अधीन ये पूरा जगत है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा मिथुन राशि की डेट वाइज, कौन सी डेट में आपने काम करना है, कौन सी में नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, और कभी यात्रा करनी है नहीं करनी है, और कौन सा समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि जो डेट मैंने मेष राशि और वृष राशि के लिए बताई है वही डेट में आपको भी बता दूं, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये रिसर्च करता हूं मैं और रिसर्च करके आपके सामने इसको परोसता हूं, और अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति होता हूं, क्योंकि टू एरेज ह्यूमन, गलती मनुष्य ही होती है। और आप लोग भी कुछ चाहते हैं तो भी मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं। पहले हम बताएंगे जुलाई महीने की ग्रहों की स्थिति क्या है मिथुन राशि वालों के लिए, और वो कौन से दो उपग्रह हैं जो बहुत बेहतरीन राजयोग बनाएंगे, और आपकी किस्मत कैसे पलट जाएगी, ये भी हम जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको निवेदन करते हैं हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लोगों को जानकारी भी दें इसकी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले ग्रहों की जानकारी देता हूं। मिथुन राशि या मिथुन लगन, अगर आपकी मिथुन लगन है तो 100% फलादेश सही होगा, और अगर आपकी राशि मिथुन है तो भी फलादेश अच्छा होगा, लेकिन 80% तक ही सटीक जाता है। मिथुन लगन के अंदर, मिथुन राशि के अंदर बुध स्वराशि के अंदर भ्रमण करेगा, ये पूरे जुलाई भ्रमण करेगा, कुछ समय तक ये अस्त है, अस्त से निकल जाएगा और उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसका इंडिपेंडेंट राजयोग होगा ये कह सकते हैं, तो आप पन्ना पहन के रख सकते हैं। ये भद्र नाम का राजयोग है, ये एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, साइंटिस्ट हैं, स्पेस में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस चांसलर, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन HRD, इनके लिए बहुत अच्छा योग है, इनको अवार्ड मिलते हैं, ऊंचाइयाँ मिलती हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छा योग है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा। दूसरा, आपके सप्तम भाव में बृहस्पति केतु के साथ भ्रमण करेगा, ये हंस नाम का राजयोग है, पत्नी के माध्यम से, पत्नी को पति के माध्यम से भारी सफलता मिलती है। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो कारकाक्ष नाम का राजयोग बनता है, एक नॉर्मल इंसान से अर्श से, फर्श से अर्श में पहुंच जाना, जमीन से आसमान में पहुंच जाना, नॉर्मल इंसान से लेकर के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष तक बन जाना, ये योग बनता है। अगर आपका ये योग बचपन में था तो आप निश्चित तौर पर बनेंगे, बचपन में नहीं था आज बना है तो 50% आपको फल इसका जरूर मिलेगा।
तो ये योग है जिसकी मैंने कहा था कि आपको ऊंचाइयां देगा, कारकाक्ष नाम का राजयोग है। बुद्ध और गुरु जब आमने सामने स्वराशि में होते हैं तो ये योग बनता है और इनकी गति भी बड़ी पावरफुल। एक और योग है स्वराशि में शनि जो अष्टम भाव में कारक स्थान पर बैठा हुआ है, यहां लंबी आयु देता है, आपके स्वास्थ्य में सुधार देगा, जो आप आयु के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। शुक्र बारहवें भाव में अपवाद के तौर पर बड़ा अच्छा फल देता है, संतान का सुख देता है, लग्जरियस चीजें मॉनेटरीज जितनी भी होती हैं वो सब देता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कभी कभी दे देता है। तो शुक्र भी आपके लिए बहुत पावरफुल स्थिति में है, ये वर्गोत्तम चलेगा और वर्गोत्तम रहने पर यह बहुत ही पावरफुल स्थिति में आ जाएगा। 9-10 तारीख तक इसका वर्गोत्तम प्रभाव रहेगा, बहुत मजबूत स्थिति में। मंगल मिथुन लग्न में अच्छा फल नहीं देता, लेकिन दसम भाव में बहुत पावरफुल स्थिति में है तो आपके लिए काफी अच्छा फल देगा। सूर्य आपकी राशि के अंदर बैठा हुआ है, राशि में सूर्य का फल अच्छा नहीं होता, दूसरे भाव में शिफ्ट हो जाएगा 16 जुलाई को, थोड़ा अच्छा फल करेगा। राहु बुध की युति यहां पर चलती रहेगी, तो ये ग्रहों की प्लेसमेंट है। यहां पर आप 2 स्टोन हमेशा पहन सकते हैं, एक पन्ना पहन सकते हैं, इसके पहनने से माँ का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, सुख साधन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, शेयर बाजार, कमीशन एजेंट से जो काम करते हैं, शेयर ब्रोकर जो काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो काम करते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। और एक पुखराज भी पहन सकते हैं, इसके पहनने से आपको धातु का कोई काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, तांबे का, पीतल का काम करते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल वर्क आपका है उसमें काम मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। ये 2 स्टोन हमेशा पहन सकते हैं, 2 ग्रह आपके लिए बहुत पावरफुल है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको काम नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि से चंद्रमा की जो गति है 2-3 तारीख को नीच रहेगी, तो महीने की जो शुरुआत है तनाव में रहेगी, छठे भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन छठे भाव में वैसे तो बलवान होता लेकिन नीच का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। यहां पर 2-3 तारीख को धन का नुकसान होगा आपका, तो इसको बचाव करना है, किसी को पैसा नहीं देना, पैसा लेके नहीं चलना इकट्ठा, ट्रैवलिंग से बचना है इन 2 दिनों में, क्योंकि धन भाव का स्वामी मून है तो बैठा हुआ गलत जगह पर। लेकिन 4 और 5 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा, बृहस्पति के साथ गज कैसी राजयोग बनाएगा, बुध का सामना होगा, और यहाँ बुध चंद्र आमने सामने होते हैं तो बल मिलता है, बुध को बल मिल जाता है, चंद्रमा को गुरु से बल मिल जाता है, धन का स्वामी पत्नी के घर में है, आपके पास आपकी पत्नी के माध्यम से धन आने का योग बनेगा, तो एक बहुत ही सुंदर योग है। लेकिन 6 और 7 तारीख को विश्व योग बन जाएगा, 6 और 7 तारीख में अष्टम भाव में भ्रमण रहेगा तो मानसिक तनाव रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 7 तारीख तक उथल पुथल थोड़ी सी रहने वाली है आपकी, तो अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महीने की शुरुआत में धन का नुकसान, तनाव रहना, फिर 2 दिन ठीक हो जाना, फिर 2 दिन खराब रहना। 7 तारीख के बाद आपके भाग्योदय के योग बनते हैं, फिर एक सुंदर योग बन जाता है। 11 जुलाई 12 जुलाई 13 और 14 15 16 जुलाई, यानी यहाँ तक आपको लगातार अच्छा फल मिलेगा। 11 12 13 14 15 और 16 17, इनमें होगा क्या कि जो चंद्रमा का प्लेसमेंट है वो पाकिस्तान पर रहेगा, दसम भाव में चंद्रमा गोचर में बड़ा जबरदस्त फल देता है, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाता हुआ चलेगा, कैरियर से धन की प्राप्ति बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, आप मांगते हैं तो मिलेगा, और फिर 11वें भाव में भी बड़ा अच्छा फल देता है लाभ स्थान के अंदर, तो वहां भी इसकी पोजिशन बड़ी जबरदस्त है 15 तारीख। तो इसका मतलब 14-15 तारीख में भी आपको जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलेगा। फिर वो 12वें भाव में चलेगा, 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देता, लेकिन शुक्र के साथ युति है तो थोड़ा बेटर करेगा। उसके बाद में 18, 19, 20 तारीख आपकी राशि के अंदर भ्रमण करेगा बुध के साथ, तो राशि के अंदर लग्न के अंदर उसकी पोजीशन बहुत अच्छी रहती है, दूसरे भाव में अच्छा फल नहीं करता, तीसरे में फिर उसकी पोजीशन बहुत अच्छी रहती है। इसका मतलब ये रहा कि जो लास्ट में 23 और 24 जुलाई को सिंह राशि के अंदर भ्रमण करेगा और बृहस्पति की दृष्टि के अंदर होगा और बृहस्पति से चंद्रमा को बल प्राप्त होता है, तो चंद्रमा आपको 23 और 24 तारीख में खूब साहस देगा, अदम साहस देगा, मेहनत से पैसा देगा आपको, यानी जितनी मेहनत करते चले जाएंगे आपको पैसा आता चला जाएगा,
तो जो तारीखें मैंने आपको बताई उनमें कोई काम नहीं करना आपको। मैंने 2 और 3 तारीख आपको बताई है जिसमें कोई काम नहीं करना है, 6 और 7 तारीख को भी कोई काम नहीं करना है, उसमें भी आपको बचाव करके चलना है। और साथ में यहाँ पर 6-7 तारीख को इसकी पोजिशन बहुत अच्छी नहीं है, नीच रहने वाला है और फिर विषयोग में रहेगा। और फिर उसके बाद में 18 और 19 तारीख है तो लगन के अंदर पर ग्रहण में है, स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, तो यहाँ पर साथ में एक मोती भी पहन सकते हैं। इसके पहनने से थोड़ा सा रिलीफ ही आएगा कि राहु के साथ चंद्रमा की युति जब आती है तो अच्छा नहीं रहता, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको तनाव रहना है। 19-20 तारीख को भी थोड़ा सा तनाव यहाँ पर रहेगा, 20-21 तारीख में, क्योंकि सूर्य के साथ रहेगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको बचाव करें, अमावस्या के दिन थोड़ा बचाव करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप पन्ना पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं और पुखराज भी पहन सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, जुलाई बहुत अच्छा रहे। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।